बच्चा को जो मन नहीं लगता है, तो ऐसा कौन दुनिया में इंसान है जिसको अपने काम में मन लगता है और खास करके पढ़ाई में? बोलो, मान लो तुम घर भाग गया, तो घर पे जाने से की मन लगने लगा? हाँ, घर में गए थे, तब मम्मी थी वहाँ पे। कहाँ? चौक के पास। चौक के पास मम्मी थी। हाँ, तुम वहीं चल गया था? और मम्मी की तबीयत भी बहुत है। लेकिन पापा तो तुमको यहाँ पे पहुँचा दिए थे ना? हाँ, फिर भी तुम चला गया, गलत बात है नहीं? सर, मम्मी आई थी ना गेट के बाहर जाके रो रही थी, इसीलिए सर तुमको न अच्छा लगा, चले गए। फिर आज पापा ने कहा। एक बार जानता है राम भगवान को पहचानते हो? राम भगवान, हाँ पहचानते हो? वो राजा दशरथ के बेटा थे कि नहीं थे? थे ना। हाँ, जंगल गए थे? अच्छा, वो जो अपना ज्ञान सीखने के लिए गए थे वो कहाँ पे गए थे? विश्वामित्र के पास गए थे? हाँ, वो उसको गुरु थे कि नहीं थे? समझो, राजा दशरथ जो राजा थे अयोध्या के, अपने बेटा को किसके पास भेजे? विश्वामित्र के पास भेजे। अगर चाहते ना उस समय में, तो विश्वामित्र को बोलते कि आप मेरे यहाँ रहिए और मेरे चारों बच्चा को शिक्षा दीजिए, आपको जो चाहिए ना वो हम देंगे। प्यार से अगर नहीं रहते ना तो बंदिश बना लेते, लेकिन उतना लार प्यार से जो बच्चा को पैदा किए राम भगवान, चारों भाई जो पैदा लिए, कितना कष्ट सहने के बाद राजा दशरथ के यहाँ, तब उसको विश्वामित्र के पास जाके पढ़ना पड़ा। तो वो राजा थे तो नहीं चाहते कि हम अपने यहाँ सब कुछ करवा लें? ऐसा हुआ? हाँ, गए ना वहाँ पे सीखने के लिए। और उसके बाद जब आए, राजगद्दी संभालने का टाइम था, और फिर वो कहाँ गए? जंगल गए, 14 वर्ष के वन गए कि नहीं गए? जब वो राम जो है राजा का बेटा होके आज जिंदगी में इतना कष्ट किया, तब जाके राम से क्या बना पता है? मर्यादा पुरुष श्री राम, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। इतना आसान है जिंदगी में कुछ भी? हाँ, तो तुम लोग को क्या लगता है कितना बार बोल रहे हैं कि बाप बहुत भीड़ से कमाते हैं? तुम नहीं देखा है, वो बाप से जाके एक बार पूछो। मन किसको बोलते? मन लगाना पड़ता है अभी के दौर में, दुनिया में ऐसा कौन चीज है जिसमें तुमको मन लगता है? बोलो, मोबाइल चलाने में, घूमने में, इधर उधर करने में, तो किस में? ख्वाब देखा है कि हमको बढ़िया लड़की मिले, हम उसके साथ घूमे, बढ़िया बंगला हो, बढ़िया घर हो, रोज बढ़िया खाना खाए, कौन चीज चोरी करके, गाजा बेच के, तब कौन चीज करेगा? पढ़ाई कैसे होता है? तुम घर भागेगा उससे पढ़ाई होता है? छुट्टी ना होता है जिंदगी में, छुट्टी ना होता है। छुट्टी कहते किसको जिंदगी में? जब पैदा तुम ले लिया तो छुट्टी उट्टी ना है, छुट्टी एक गो है, मर जाओ छुट्टी है, छुट्टी है। बात समझ में आया? ऐसे छुट्टी ना होता है जिंदगी में, ऐसे छुट्टी होता है। भर दिन भाव कमाते हैं तब 400 रुपया, मतलब भर दिन खर्चते हैं तो 400 रुपया रात में कमा के लाते होंगे घर। मुंशीगिरी कर रहे हैं पापा, एक सीजन कमाएंगे एक सीजन घर पे रहेंगे, सब दिन तो नहीं बाहर रहते होंगे? नहीं ना रहते हैं, समझो। फिर भी अगर बच्चा ऐसा निकल जाए तो उसको मारने में क्या जाता है? ऐसे नहीं मारा जाता है, इतना थोड़ी निर्दय है हम कि मार लें। ठेस पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, तुमसे न पहुंचता है, तुम्हारे बाप के काम से पहुंचता है, कि भर दिन कमा के तुम्हारे लिए अरसता है और तुमको समझ में नहीं आता है। गांव में जाके क्या करेगा? गजेरी गाजा पीता तुम लोग जैसा लड़का, सिगरेट दारू पीता है, मोबाइल ले लेता है, कान में एयरफोन लगा के भोजपुरिया गाना चलता है, इधर उधर करता है। समझाते हैं? नहीं समझेगा? हाँ, अब नहीं, अब देखो यहाँ ही नहीं होता, अब नहीं जाएंगे,
तुम मेरे ऊपर ये सब बोल के एहसान नहीं कर रहा, तुम अपनी जिंदगी को देखो, सोचो तुमको क्या करना है, क्यों यहाँ पे रखा गया, काहे 2500 रुपया 3000 रुपया खर्चा कर रहे पापा, कभी सोचा है, काहे माँ बाप से अलग रह रहे हो, सोचा है कभी? आज तुम कष्ट कर रहे हो ना, तब तुम्हारा बेटा कल तुम्हारे साथ रह पाएगा, अगर आज तुम कष्ट नहीं कर रहा तो कल ना तुम्हें कन्या ना तुम्हारे बेटा तुम्हारे साथ रहेगा, याद रखना इस बात को, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगा। हाँ ठीक है पर